हेलो एवरीवन। सो आज हम यूज़ करेंगे इन पार्सल पैकेजिंग का, जो मोस्टली हम फेक ही देते हैं, जिनका कोई भी यूज़ नहीं होता। तो आज इसी का यूज़ करके हम बनाएंगे एक बैग। सो इन पैकेजिंग में H&M का लोगो है। सो पहले मैं इसको कट कर लूँगी, और इसे बहुत केयरफुली कट करना है, क्योंकि ये एक ही है। सो अगर खराब हो गया तो फिर ये दोबारा नहीं आएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे केयरफुली काट लेना है। सो यहाँ पर क्योंकि मेरे पास H&M का लोगो था, तो इसलिए मैं इसको कट कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई और ब्रांड का लोगो है तो तभी भी चलेगा, और अगर कोई और स्टिकर है तभी भी चलेगा। सो कट कर लिया है मैंने इस लोगो को, और जो इसमें से रिंकल फ्री पेपर थे मैंने उनको निकाल लिया है। और क्योंकि ये एक तरफ से प्रिंटेड है, तो मैं इनको अंदर की साइड से यूज करूंगी, और अंदर की साइड से ये बिल्कुल फ्रेश होंगे, क्योंकि इनके जो प्रिंटिंग है वो वन साइडेड ही है। और क्योंकि ये वेस्ट पेपर ही थे और मैंने कटिंग करके इनको निकाला है, सो मैं इनको चिपका रही हूँ इनकी लेंथ बढ़ाने के लिए। यहाँ पर मैं पेपर ग्लू का यूज कर रही हूँ। यहाँ पर आप किसी भी तरीके के ग्लू का यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आप इस प्रोसेस को देखकर ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मेरे पास जो पेपर थे मैं उन्हीं के हिसाब से इनको फोल्ड कर रही हूँ और स्टिक कर रही हूँ ग्लू की हेल्प से। सो लगभग मैंने इसका यहाँ पर स्क्वायर बना लिया है और इसको चिपका दिया है दोनों तरफ से, तो ये एक पॉली बैग बन जाएगा। और इसको साइड में से फोल्ड करने के बाद मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी, तो ये पॉली बैग का लुक ले लेगा। और अब इसे क्योंकि नीचे से फोल्ड करना है, और जो मैंने पेपर बैग बनाया है ये इसकी लेंथ ज्यादा नहीं है, क्योंकि पेपर इतना ही था, तो मैं इसे नीचे से थोड़ा कम फोल्ड करूंगी और मैं दूसरे पेपर का यूज कर लूंगी जब मैं इसे नीचे से चिपकाऊंगी। तो इस प्रोसेस को भी आप देखकर ही ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि मैं इसको किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। मुझे इसके नीचे से भी बहुत अच्छे से कॉर्नर बनाने हैं, और इसे इस तरीके से फोल्ड करना है जैसे कि शॉपिंग बैग्स होते हैं। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे ये कम पड़ गया है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा इसकी लेंथ नहीं थी, तो मैंने इसको नीचे से कम फोल्ड किया था। और यहाँ पर मैं इसको एक्स्ट्रा पेपर चिपका रही हूँ। सो ये सारे पार्सल वही हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, तो इन सभी को मैंने यूज कर लिया है ऑलमोस्ट। सो ये अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट से जो पार्सल आए थे उनके ये पैकेजिंग थे। सो नीचे ये पेपर चिपकाते ही मेरा बैग तैयार हो गया है, और जो इसकी एक्स्ट्रा कटिंग है वो मैं सीजर की हेल्प से कटिंग कर लूंगी। और यहाँ पर हमें बहुत केयरफुली कट करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर पेपर बैग कट गया तो वो खराब हो जाएगा और हमारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और अब यहाँ पर मैंने ग्लू की हेल्प से H&M का लोगो चिपका दिया है, जो मैंने कट किया था। और अब यहाँ पर मैं रेड कलर के रिबन का यूज कर रही हूँ, और इसे मैंने ग्लू गन की हेल्प से चिपका दिया है। इसे चिपकाना तो बहुत ज्यादा ईजी है। और यहाँ पर मैं इसी रिबन का एक बो बना रही हूँ। आप देख सकते हैं इसमें एक नॉट टाई करने के बाद ही ये बहुत आसानी से एक बो बन जाएगा। सो यहाँ पर मैंने बो बना लिए हैं, और इनको फ्रंट साइड पर मैं चिपका दूंगी। सो यहाँ पर मैंने दोनों को चिपका दिया है, और मेरा पेपर बैग तैयार हो चुका है। सो आपको कैसा लगा मेरा वेस्ट पेपर का यूज, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये H&M का क्यूट बैग पसंद आया है तो मेरी वीडियो लाइक करें, और भी अमेजिंग आइडियाज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।